दमोह उपचुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़े बड़े करंट लग रहे हैं, जिसका झटका उनके समेत शायद पूरी कांग्रेस पार्टी आसानी से बर्दाश्त न कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव तो महज एक सीट पर है, पर इसी एक सीट के चुनाव में कांग्रेस को इतने उतार चढ़ाव देखने पड़ रहे हैं कि क्या कहना। पहले तो कमलनाथ इसलिए ही परेशान बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस का एक भी दिग्गज नेता दमोह उपचुनाव में दिलचस्पी नहीं ले रहा। उसकी वजह प्रत्याशी चयन को भी माना जा रहा है। अजय टंडन को प्रत्याशी बनाए जाने के कमलनाथ के फैसले से बाकी नेता तो छोड़िए, उनके खास मित्र रहे दिग्विजय सिंह भी नाराज बताए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ के एक नहीं कई फैसलों से नाखुश हैं, पर खुलकर विरोध दर्ज करने से बच रहे हैं। अब एक और वरिष्ठ नेता का फैसला कमलनाथ को चौंका रहा है। ये वो नेता है जिन्हें दमोह उपचुनाव में स्टार प्रचारक का स्थान दिया गया था, पर अब इस नेता ने प्रचार करने से ही इनकार कर दिया है। ये नेता है मुकेश नायक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक के इस इनकार से पूरी कांग्रेस सदमे में है। इससे बड़ा झटका एक दिन पहले लग ही चुका है, जब मुकेश नायक के भाई ने अपने समर्थकों समेत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद नायक भी कमलनाथ से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और यहां तक कह चुके हैं कि वो राजनीति से ही संन्यास लेने का मन बना रहे हैं। उपचुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस की फूट भी बढ़ती जा रही है। देखना यह है कि कमलनाथ इससे कैसे निपटते हैं।